Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ शिविका और मैं वीडियोस बनाती हूँ बेकिंग, कुकिंग, मेकअप एंड प्रोडक्ट रिव्यूज पे. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द रेगुलर अपडेट्स ऑन द चैनल. आज की वीडियो में हम बेक करने वाले हैं पिज्जा. इसको हम गैस पे बेक करने वाले हैं. आप चाहो तो ओवन में भी बेक कर सकते हो और हम इसमें ईस्ट यूज नहीं करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो. सो गाइस, पिज्जा डो बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 150 ग्राम मैदा, 100 ग्राम दही, विनेगर, बेकिंग पाउडर, नमक, पिसी हुई चीनी, पानी एंड ऑयल. सो गाइस, फॉर टॉपिंग वी आर गोइंग टू यूज कैप्सिकम, रेड एंड येलो बेल पेपर, टमेटो. टमेटो का जो प्यूरी वाला पार्ट होता है वो आपको पूरी तरह से रिमूव कर देना है. अनियन, स्वीट कॉर्न, चीज एंड ब्लैक ऑलिव्स. आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई भी टॉपिंग ऐड या डिलीट कर सकते हो अपने चॉइस के बेसिस पे. मैंने ये सारी टॉपिंग्स मेरे पास अवेलेबल थी तो इसी से मैं ये बनाने वाली हूँ. अदर इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए होगा पिज्ज़ा सॉस. मैं यहाँ डॉक्टर ओएतकर का पिज्ज़ा सॉस यूज करने वाली हूँ. थोड़ा सा सॉल्ट, पिज्ज़ा ओरिगैनो या फिर प्लेन ओरिगैनो या फिर डोमिनोज से जो ओरिगैनो आए हुए होते हैं वो भी आप यूज कर सकते हो, एंड चिली फ्लेक्स. तो गाइस, सबसे पहले हम अपना मैदा ले लेंगे. इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून शुगर, पीसी हुई चीनी है ये, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 2 टेबलस्पून ऑयल. And 1.5 tablespoons of vinegar. मैंने यहाँ पे चिली विनेगर यूज किया. आप चाहो तो नॉर्मल विनेगर भी यूज कर सकते हो, और अगर विनेगर नहीं है तो आप लेमन भी यूज कर सकते हो. अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिफोर एडिंग दही एंड पानी. तो ऑयल, विनेगर सब अच्छे से मिक्स हो गया है मैदा में. अब हम इसमें 4 टेबलस्पून दही डालेंगे. और अगर पानी की जरूरत पड़ेगी तो ही पानी ऐड करना है, नहीं तो बिना पानी के भी आप इसको रेडी कर सकते हैं. एकदम सॉफ्ट सा डो बनाना है इसलिए मैं थोड़ा सा 1 टेबलस्पून पानी लूंगी. वन नीडिंग इट, आपका स्टार्टिंग में ऐसे स्टिकी होना चाहिए तभी ये सॉफ्ट बनेगा, अदरवाइज ये बहुत हार्ड बन जाएगा. और क्योंकि हम लोग ईस्ट यूज नहीं कर रहे हैं तो ये अच्छे से फ्लफी नहीं होगा. तो आपको अच्छे से एकदम सॉफ्ट डो बनाना है इसका, और इसको आपको कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए नीड करना पड़ेगा. अपने आप सॉफ्ट हो जाएगा और स्टिकी नहीं रहेगा. सो गाइस, आफ्टर 5 to 7 मिनट्स एज यू कैन सी पूरा सॉफ्ट डो हो गया, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है. तो या आफ्टर डूइंग दिस आपको कोई भी एक बोल लेना है, उस पर इसको रख देना है एंड फिर आप रैपिंग पेपर की हेल्प से इसको अच्छे से ढक दो. एंड आपको इसको कम से कम 1.5 से 2 घंटा तक रेस्ट करवाना पड़ेगा, अदरवाइज ये फ्लफी नहीं होगा. एंड आप इसको फ्रिज वगैरह में मत रखना, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है. सो गाइस, ये हमारा पिज्जा डो रेडी हो गया है. अब हम इसको 2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आप रख सकते हो. अगर आपके पास ये रैपिंग पेपर नहीं है, आप गीला कपड़ा जो एकदम पतला सूती वाला कपड़ा होता है वो भी यूज करके इसको ढक के रख सकते हो. तो मिलते हैं 2 घंटे बाद पिज्जा बनाने के लिए. हमने जो डो बना के तैयार किया था, एज यू कैन सी ये रेडी हो चुका है आफ्टर 2 आवर्स. सो गाइस, फॉर मेकिंग द बेस आपको थोड़ा सा ऐसे मैदा स्प्रेड कर लेना है और उसमें अपना डो लेके फॉर 30 सेकेंड्स ऐसे नीट करना है. अब हम इसकी रोटी के जैसे इसे लोई बना लेंगे एंड थोड़ा सा सूखा मैदा. आपको सूखा मैदा थोड़ा ज़्यादा यूज करना पड़ेगा ताकि ये थोड़ा सा भी चिपा तो प्रॉब्लम हो जाएगी.
सो आपका जो बेस की रोटी है वो इतनी थिक होनी चाहिए। तो आप जिसमें अपना पिज़्ज़ा रेडी करने वाले हैं, जिसमें टॉपिंग वॉपिंग डाल के, उसमें भी थोड़ा सा सूखा मैदा स्प्रेड कर लेंगे और उसमें ये बेस इस तरह से रख देंगे। अब हम एक और रोटी बनाएंगे, रोटी नहीं बेस, जो इससे थोड़ी छोटी और पतली होगी। सो गाइस, अब हमने जो ये पहले थोड़ी सी जो थिक रोटी बनाई थी उसमें हम थोड़ा सा चीज स्प्रेड कर देंगे। मैं मोज़रेला चीज यूज कर रही हूँ, थोड़ा सा स्प्रेड करना है, ज्यादा नहीं, ताकि चीज का बहुत अच्छा टेस्ट आए। और जो हमने ये पतली रोटी बेली थी इसको हमको इससे ढक देनी है और विद द हेल्प ऑफ वाटर आप इसको स्टिक कर दो एक दूसरे के साथ। सो गाइज, अब हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड कर देंगे। पिज़्ज़ा सॉस आपको अच्छी क्वांटिटी में स्प्रेड करना है। अब इसमें आपको ढेर सारा चीज डालना है। चीज में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा, नहीं तो आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। सो चीज दिल खोल के डालना है इसमें। सो गाइस, आफ्टर एडिंग द चीज हम इसमें थोड़ा सा पिज़्ज़ा ओरिगानो जो है वो डालेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा मिक्स है आप वो डाल दो, अगर डोमिनोज वाला ओरिगानो है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें अपने टॉपिंग्स को सजा देंगे। वेजीज ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा आप सॉल्ट ऐड कर देना। अगेन हम चीज़ ऐड करेंगे। आपको मोज़रेला चीज़ यूज़ करनी है, अमूल की जो चीज़ क्यूब आती है नॉर्मल वाली वो यूज़ नहीं करनी है, सिर्फ मोज़रेला चीज़ किसी भी ब्रांड की। इस लास्ट में ऐड करने हैं आफ्टर एडिंग द चीज़। अब हम इसमें अगेन थोड़ा सा ओरिगानो एंड थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अब चलिए चलते हैं एंड इसको गैस पे बेक करते हैं। हम ले लेंगे बटर एंड इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे पैन में। सो आफ्टर ट्रांसफरिंग द पिज़्ज़ा इन टू पैन, थोड़ा सा वो यू नो गड़बड़ हो सकता है क्योंकि पिज़्ज़ा बहुत हैवी है, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। आप तो इसको पैन में ट्रांसफ़र करने के बाद भी थोड़ा सा सेट कर सकते हो एंड फिर इसको एकदम धीमी आँच पे आप इसको ढक के 5 से 7 मिनट के बाद वापस चेक करना। हर 1 मिनट में चेक मत करना, नहीं तो वो ठीक से यू नो फूलेगा नहीं, फ्लफी नहीं होगा। तो जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स देन चेक, एंड अगर वो थोड़ा सा कच्चा रहे तो फॉर अनदर 5 मिनट्स यू कैन यू नो कुक इट। सो गाइज, आफ्टर 7 मिनट्स मैं इसको ओपन करके देख रही हूँ, जस्ट सी गाइज। अब हम इसको प्लेट पे ट्रांसफर कर लेंगे, हमारा पिज़्ज़ा पूरी तरह से बेक हो चुका है।
सो गाइज एज यू कैन सी हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है और ये बहुत फ्लफी एंड चीज़ी बना है और एकदम बाहर का पिज़्ज़ा लग रहा है, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई करना। लेट्स कट द पिज़्ज़ा। सी गाइस, सी द चीज पुल, कितना सही बना है ये पिज़्ज़ा। चीज पुल भी कितना मस्त आया। चीज पुल इसीलिए आया क्योंकि मैंने मोज़रेला चीज़, अगेन मैं बोल रही हूँ, मोज़रेला चीज़ यूज़ करना है, नॉर्मल चीज़ नहीं यूज़ करना है। एंड ये काफ़ी फ्लफी एंड चीज़ी बना है, तो या ज़रूर ट्राई करिएगा घर पे। तो गाइस जैसे कि आपने देखा, मैंने ये पिज़्ज़ा गैस पे बेक किया है, मैंने यीस्ट भी यूज़ नहीं किया है, फिर भी ये पिज़्ज़ा इतना चीज़ी और फ्लफी बना है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा घर पे, ये पिज़्ज़ा आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड या और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये रेसिपी अच्छी लगी, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपको ये पिज़्ज़ा ट्राई करने के बाद कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। एंड शेयर इट टू योर लव्ड वंस। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। एंड ये सब करने के पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द रेगुलर अपडेट्स ऑन द चैनल। सो गिव यू लव टू मी। बाय बाय।